क्या आपको मालूम है 105 घंटे तक 60 फीट गहरे बोरवेल में फंसे राहुल के साथ और कौन था? बताया जा रहा है इतनी गहराई में राहुल अकेला नहीं था, राहुल के साथ में एक सांप और एक मेंढक भी थे। राहुल पर जिस कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी उसमें सांप और मेंढक का मूवमेंट स्पष्ट देखा जा रहा था, जिसको देखकर प्रशासनिक अधिकारी घबराए हुए थे, किंतु इस बात को पहले लोगों तक साझा नहीं किया जा रहा था। रेस्क्यू पूरा होने के बाद में खुद कलेक्टर ने इस बात की जानकारी दी है। रेस्क्यू कार्य पूरे होने के बाद जानकारियां लोगों तक जैसे पहुंची, लोगों के बीच में कई तरह की चर्चाएं सुनने को मिली है। कुछ लोगों का कहना है देश में करोड़ों लोगों ने जो दुआएं की, प्रार्थना किया, यज्ञ हवन किए, उसी के परिणाम स्वरूप परमात्मा ने सांप और मेंढक रूप में राहुल के लिए सुरक्षा दूत भेजा था। हालांकि प्रशासन की ओर से स्नेक बाइट एंटीडोज की व्यवस्था की गई थी, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। राहुल के साथ रहने वाले इन जीवों के बारे में और ज्यादा जानकारियां नहीं बताई गई है कि वह कौन सी प्रजाति का सांप था और ऑपरेशन खत्म होने के बाद वह कहां चले गए। सांप और मेंढक के बीच हमेशा बैर की भावना होती है, सांप मेंढक को खाने तत्पर रहता है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सांप न तो मेंढक को खाया और न ही राहुल को काटा। खैर जो भी हो, राहुल के सकुशल बाहर आ जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश रेस्क्यू कार्य में लगे पूरे प्रशासनिक अमला को धन्यवाद कर रही है, ऊपर वाले को भी धन्यवाद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज पूरे देशवासियों से बार बार अपील कर रही है, बोरवेल को कभी भी खुला ना छोड़े। यदि कहीं बोरवेल खुला रह गई हो तो तुरंत उसे बंद करें। याद रखें, हर बच्चा राहुल की तरह बहादुर नहीं होता और न ही हर मिशन में कामयाबी मिलती है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।